वेलकम बैक टू माय चैनल मी अंशिका। सो आज है 24 मई एंड फ्राइडे। तो आपने जैसे पहला ब्लॉग देखा था जैसे मैंने कहा मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी, तो आज फिर से मैं नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। अभी 10:30 हो रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं ना, नहीं 11:30 हो रहे हैं, 11:30 हो रहे हैं। आज हम ले मैं सुबह लेट उठी हूँ, अराउंड में 10 o'clock उठी हूँ, क्योंकि कल रात को फैन चल नहीं रहा था, रात भर AC चल रहा और मेरे गला ख़राब, मेरी बॉडी पूरी काँप रही थी। तो मेरे आज सुबह जाके मैं शांति से थोड़ा सोई हूँ, तो मैं 10 बजे उठी एंड फिर फ्रेशन अप होकर नहा के आ गई। एंड अब मम्मी मैक्रोनी बना रही है हमारे लिए, मैंने मम्मी को दोनों से कहा मैक्रोनी खानी है, तो मम्मी अभी ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी बना रही है। मतलब मम्मी कह रही है ब्रंच मैक्रोनी खा लो, जब पापा आएंगे उस टाइम पर चावल खा लेना, तो अभी मैक्रोनी खाएंगे एंड देन फिर पढ़ने बैठूँगी। सबसे पहले मैक्रोनी खाते हैं। मम्मा ने ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो ये दो मिष्टी टॉय, ये किंडर जॉय वाली चॉकलेट और ये आइसक्रीम, तो ये सब अभी आया है। खाना भी हो गया तो मैं पढ़ूंगी बैठ के। और मतलब एक जैसे मैंने कहा ब्रंच हो गया हमारा, अब थोड़ी देर बाद देखते कुछ आइसक्रीम खाएंगे। हाँ मेरा गला इतना भी ख़राब है कि मैं आइसक्रीम नहीं खा सकती, थोड़ा यार चलता है, गर्मी है ठीक हो जाएगी। एंड उसके बाद बस आज पढ़ना ही है, मेन मेरा है कि भी पढ़ा है इन 2 हफ्तों में, क्योंकि मेरे उड़ीसा जाने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, तो इन 2 हफ्तों में साथ जितनी पढ़ाई है सब खत्म कर दूँ मैक्सिमम, ताकि 1 सेकेंड ताकि मैक्सिमम मेरा ख़त्म हो जाए और वहाँ से आने के बाद मेरे पे इतना बर्डन ना पड़े, ताकि अगर एग्जाम्स भी होंगे मेरे तो उनके लिए पढ़ने के लिए टाइम मिल जाए। इसलिए मैं पहले होमवर्क कम्प्लीट कर रही हूँ। तो चलिए अभी शीनू चिल्ला रहा है, तो पहले मैं उसको सब खाने के लिए देती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। सबसे वो छोटा कौन है? राजा बेटा। किंडर जॉय खाने के बाद मैं बैठ के अपने ऐसे लिखने लगी, जैसे मैंने बोला बहुत सारा काम है मेरे पास, तो इसलिए मैंने बैठ के 2-3 घंटे आराम से बैठ के ऐसे लिखा शीनू के पास बैठ के, एंड तब भी मेरा थोड़ा ऐसे बच गया था। फ्रेंड्स इससे बहुत बड़ा है, इतना लिखने के बाद भी मेरा लाइक 2 पैरा बचे हैं, अभी उनको लिखूंगी एंड देन मेरा 1 ऐसे कंप्लीट होगा। एंड अभी बज रहे हैं 4:19 एंड मम्मी ने बोला कि पापा आएंगे तो हम अराउंड 7 o'clock चावल खाएंगे, तो अभी तुम चाय और वो खा लो, ब्रेड खा लो, तो अभी हम ये खा रहे हैं। एंड मैं पढ़ रही थी एंड थोड़ी देर मैं रील्स देख रही थी, अपनी बेस्ट फ्रेंड से चैटिंग कर रही थी, और फिर उसके बाद अब फिर से पढ़ लिखने लग गई और अब मम्मा भी उठ गई है, तो अब हम लोग खाना खा रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको खाने के बाद मिलती हूँ। फिर से खाने के बाद मैं आपको दिखा रही थी मैंने कितना लिखा है, मेरे 1 ऐसे कंप्लीट करने के बाद मैंने दूसरा ऐसे स्टार्ट किया जो मैंने दिवाली पे लिखना था, क्योंकि आपको पता ही है काम बहुत सारा है, तो फिर जितना जल्दी हो सके मैं सारा काम कंप्लीट करना है, तो मैं बिल्कुल मेरे पास फ्री टाइम है ही नहीं। मैं मिष्टी दही खा रही थी, जब मम्मी अल्फेंसो मैंगो वाली आइसक्रीम लेकर आई, तो पहले मैंने थोड़ी आधी मिष्टी दही खाई, फिर आइसक्रीम खाई एंड वापस मैं वेब मम्मी का वेब सीरीज़ देखते देखते मैंने अपनी मिष्टी दही पूरी खाई। एंड देन फिर मेरा एज़ यूजुअल काम पेड़ों को पानी देना, ये मुझे हर दिन देना है, मेरी काम में आता है। एंड देन फिर मेरे की एक स्कूल की मीटिंग मुझे अटेंड करनी थी, तो वो मैंने अटेंड करी। एंड देन फिर मैंने डिनर किया, मतलब आलू परवल की सिर्फ फ्राई एंड दाल चावल मैंगो। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई हैव पार्टिसिपेटेड इन MUN इन माई स्कूल, एंड मतलब मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, डिबेट का एक्सपीरियंस है, बट डिबेट और MUN में फ़र्क है जितना मैम ने बोला। तो मैंने बस मेरी टीचर ने बहुत इंकरेज किया, तो मैंने नाम लिखवा दिया। एंड अब क्योंकि छुट्टियाँ हो गई अचानक से, तो आज ऑनलाइन मीटिंग थी, तो फिर 7:10 पर मैंने ज्वाइन किया। एक्चुअली मैं भूल गई थी, बट फिर मैंने टाइम देखा मेरे को याद आया, तो मैंने ज्वाइन किया 7 से 7:30 था, नहीं 8:30 तक था। एंड मेरे को मम्मी पापा खा चुके थे, मेरे को इतनी भूख लग रही थी, जैसे ही ख़त्म हुआ मीटिंग मैं पहले खाना खाने गई एंड देन फिर बैठ के मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। हाँ आजकल हम बहुत बात करते हैं, क्योंकि यार जब कहीं जाने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है ना, पर अब बोर लग रहा है, फिर फ्रेंड्स की याद आती होती उस टाइम पर ज़्यादा। स्कूल में होते तो सोचते यार कब छुट्टी हो गई, जब घर पर होते तो सोचते अपने दोस्तों से मिलना है। सेम इज़ हैपनिंग विद अस, हम लोग डेली बात कर रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड्स से कॉल पर 1-1 घंटा बात करती हूँ एंड
माइंड रिफ्रेश हो जाता है। एंड अभी थैंक यू, अभी मेरा खाना वाना सब हो गया, मैं जैसे बोला मैं बात कर रही थी, एंड अभी मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया, जो ब्लॉग था एडिट तो मैंने वो सुबह से कर दिया था बट अभी अपलोड किया। आई नो आई एम वेरी लेजी, एंड अभी मैं थोड़ा बहुत और अपना ऐसे वैसे लिखूँगी, कल पापा की छुट्टी है तो थोड़ा लेट तक सोएंगे। हाँ हम ऐसे ही लेट तक सोते हैं बट हाँ कल पापा भी होंगे, तो बस इस ब्लॉग को कल तक कंटिन्यू करते हैं अब, क्योंकि जिस दिन मेरे पास ज़्यादा कुछ होता नहीं ना मैं दो दिन तक कर देती हूँ, ये मैंने कोई लास्ट ब्लॉग में भी बोला था। तो चलिए अब आपको मिलती हूँ कल। द नेक्स्ट डे रोटी और दही खाने में, एंड देन फिर शीनू नहाकर आ गया था तो उसको मैंने क्रीम व्रीम लगाया, एंड देन फिर मैं पढ़ने बैठ गई। मैं हैरी पॉटर देखते देखते अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। जब मैं फ्रेश होकर आई मम्मी ने याकुल्ट रखा था मेरे लिए, तो मैंने याकुल्ट पिया। आपका ड्रेस आ गया, ये ओडिशा लेके जाओगी? क्या सही शरारा है, तुझे कैसे पता चला शरारा है? इसके क्योंकि प्रिंट्स ही पता चल रहा है। शीनू रुक जा, अभी कराती हूँ, रुक जा। और आप कल भी बोल रही थी कि आपने शरारा ही ऑर्डर किया। मुझे ये अच्छा लगा। अच्छा है, अच्छा है। ये ओडिशा लेके जाना, कॉटन है ना? हाँ वहाँ की गर्मी तो में तो कॉटन ही चाहिए। कार जल्दी, मैं स्टिक लेके आती हूँ अभी। फाइनली बात कर रही हूँ आपसे। सुबह तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, जस्ट खाया तो मैं जब अपनी डैन से बात कर रही थी कॉल पे, तो फिर मैं होमवर्क कर रही थी जो हॉलीडे होमवर्क, एंड देन मैं सो गई थी। मेरे को मतलब अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा मतलब वीक वीक सा फील हो रहा है, इसलिए मैं सो गई थी। अभी मैंने उठाया बोला खाना खा ले, तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाऊँगी, एंड देन वापस बैठ कर होमवर्क करेंगे, क्योंकि पापा तो दोपहर में सोते नहीं, उन्हें आदत नहीं है, तो भी मैं उन्हें बस बैठ कर अपना काम करूँगी। तो चलिए जब पहले इतना लंच करते हैं, देन खाना खाते हैं, पहले लंच करते हैं फिर काम करते हैं। तो पहले पहले सेम हो गया था, तो पहले लंच करती हूँ जाकर, फिर अपना सारा हॉलीडे होमवर्क करूँगी। लंच करने के बाद मैंने और मम्मी ने अपनी वो वेब सीरीज पूरी कंप्लीट करी और हम लोग सो गए। उठने के बाद मैंने अपने बाल कॉम्ब करे, एंड उसके बाद मैंने बर्बन बिस्किट खाए और हम लोग नीचे घूमने चले गए। तो फ्रेंड्स अभी हम ना दोपहर को खाने के बाद मम्मी और मैं एक वेब सीरीज़ देख रहे थे, एंड वेब सीरीज़ देखने के बाद मम्मी ने बोला तो सो जाओ क्योंकि 5 बज गए थे, मम्मी उठे 6:30 हो रहे थे, एंड फिर इधर इतनी गर्मी हो रही है, हवा भी गर्म लग रही है, तो इसलिए हम लोग फिर नीचे वॉक करने आ गए। फिर मम्मी ने कहा तो घर जाके तभी पढ़ लियो, तो अभी मैं थोड़ा वॉक करूँगी मम्मी पापा के साथ नीचे, और फिर उसके बाद मैं घर जाऊँगी फिर पढ़ूँगी। तो अभी चलिए मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, अभी थोड़ा वॉक करूँगी तो फिट रहूँगी। हेलो, तो गुस्सा क्यों हो रहा है? तूने कहा था वहाँ टेम्पो है, मंकी? नहीं ये मंकी नहीं है, ये तो टेम्पो है। तू मंकी है? एक टेम्पो। तू मंकी? तू टेम्पो। नहीं ये गलत है। कैसे? नहीं ये गलत है। क्यों? गलत है। क्यों? क्योंकि तू गलत है। तू गंदी बात। दीदी को बोलो, दीदी मैं लिफ्ट दबाऊं? बोलो दीदी मैं लिफ्ट दबाऊं? फिर से बोलो दीदी मैं लिफ्ट दबाऊं? दबा। 4 4। रात को काफ़ी ज़िद करने के बाद मम्मी ने डिनर में मैगी दे ही दी, एंड देन मैं मैगी खा रही थी अपने एक फेवरेट शो देखते देखते, जस्ट एड मैजिक, ये मैं 2 बार पहले देख चुकी, तीसरी बार रिपीट देख रही हूँ, और ये शो मेरे को बहुत पसंद है। एंड उसके बाद मम्मी ने मेरे को रसगुल्ला खिलाया, मूवी आई थी, एंड देन मैं वापस बैठ कर अपना पढ़ाई करने लग गई। पापा टी वी देख रहे थे, मैं उन्हीं के पास बैठ कर अपनी पढ़ाई कर रही थी, एंड मैं व्लॉग एंड करना भी भूल गई। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब। बाई।